पाव भाजी का नाम सुनते तो सभी के मुंह में पानी आ ही जाता है। तो बस आज हम लोग यही बढ़िया सी पाव भाजी बनाएंगे। कोई झंझट नहीं, मैशर का झटपट सी पाव भाजी हम लोग बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में डाला 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला ताकि हम लोगों का बटर जले नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए 3 बड़े बड़े प्याज कटे हुए और 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च। इन सब सब्जियों को आप लोगों को ऐसे रफली चॉप कर लेना है, ज़्यादा महीन चॉप करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब को हम लोग पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब मटर। तो मटर यहाँ पे मैंने फ्रोज़न वाले लिए थे और इनको भी हम लोग अच्छा सा मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाले हैं खूब सारे बड़े बड़े एकदम लाल लाल टमाटर। तो बस इन टमाटर से ही तो हम लोगों की पाव भाजी में बढ़िया कलर आएगा। फिर मसालों में मैंने इसमें डाला गरम मसाला 1 चम्मच के करीब, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, 1 चम्मच नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इन सबको हम लोग बढ़िया सा एकदम मिक्स कर लेते हैं और जब तक ये मिक्स हो रही हैं तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसमें डालेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे जिनको मैंने ऐसे काट कर इनमें डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छा सा एकदम ऐसे मिला लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इनमें गोभी या फिर गाजर सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली बढ़िया सी बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे भाई मैशर अगर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हैंड ब्लेंडर का। हैंड ब्लेंडर से एकदम बढ़िया सी हम लोगों की पाव भाजी हो जाएगी। दरदरा सा आप लोग इसको ऐसे मैश कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम लोग स्ट्रीट पे देखते हैं ना, पाव भाजी को एकदम कढ़ाई के किनारों पर लगा दीजिएगा, बीच में डालिएगा बटर, कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और पानी। पानी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को कम ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उतना डाल लीजिएगा और बढ़िया सा इसको आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। इससे तो हम लोगों की पाव भाजी में वो स्ट्रीट वाला रेड रेड कलर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी डालने की और ज़रूरत थी तो मैंने डाल लिया और आप लोग देख सकते हो हमारी पाव भाजी कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो बस इस पाव भाजी को हम लोग ऐसे ही कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बढ़िया सा जब ये कुक हो जाएगी तब हम लोग रेडी करेंगे अपने पाव को, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला 1 चम्मच बटर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी। उसके बाद हम लोग इसमें अपने पाव को डाल देंगे इसके काट कर और बढ़िया सा इनको भी हम लोग कर लेंगे। बढ़िया सी हम लोगों की पाव भाजी रेडी हो चुकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।